नीतीश ने फिर से एक बार आरजेडी से नाता तोड़ा और बीजेपी से नया रिश्ता जोड़ दिया। नीतीश कुमार ने पहले गठबंधन सरकार से इस्तीफा दिया और फिर 6 घंटे के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार भी बना ली। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर 9वीं बार वो विराजमान हो गए। तो ये तो नीतीश की बात है, लेकिन सुशासन बाबू ने 2 बार धोखा खा चुकी बीजेपी, तीसरी बार फिर उन्हीं के साथ तोड़ गए। आखिर वजह क्या है कि उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आम तौर पर तो बीजेपी ऐसा करती नहीं है। इस बार की बार्गेनिंग में ऐसा हुआ क्या है? ओवैसी कहते हैं कि नीतीश नाम के मुख्यमंत्री हैं, सरकार बीजेपी और आरएसएस चलाएगी, तो क्या पावर नीतीश के पास रहेगी या फिर बीजेपी के सम्राट आगे बढ़ेंगे? लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में क्या होगा? क्या बीजेपी के सम्राट ही बनेंगे नीतीश की काट? बड़ा सवाल। सम्राट ईश्वर से शपथ लेता हूँ, मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर पर शपथ लेता हूँ। राज्यपाल के सामने शपथ हो गई, समारोह हो गया, बिहार की नई सत्ता का नया अध्याय शुरू हो गया। मगर बदला क्या? सीएम का चेहरा वही, पलटने वाली सियासत वही, लेकिन सपोर्ट करने वाली रीति नीति बदल गई, पार्टी बदल गई, चेहरे बदल गए। 2 दिन पहले तक नीतीश के साथ जहां तेजस्वी यादव दिखते थे, वहां अब 2 नए डिप्टी सीएम आ गए। यानी नई सरकार में नीतीश अपने लिए सीएम वाली बार्गेनिंग में तो कामयाब हो गए, लेकिन शायद उन्हें अपनी पसंद का डिप्टी सीएम नहीं मिला। बीजेपी ने यहां नीतीश बाबू को चेक एंड बैलेंस में रखने की कोशिश की है। नीतीश के बाद नंबर 2 के तौर पर जब सम्राट चौधरी की शपथ हुई, वो भी बतौर डिप्टी सीएम, तब बीजेपी ने बिहार की सियासत में अपने आने वाले लीडर का बड़ा संकेत दे दिया। नीतीश के साथ बीजेपी के सम्राट अब बिहार की नई सियासी तकदीर संवारने निकल पड़े हैं। पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो। मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दिया, आज आपको इसकी घोषणा भी हम एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कन्फर्म रही है। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। कि 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे, आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। बीजेपी का फोकस सम्राट चौधरी पर क्यों है? क्यों मोदी और अमित शाह ने बिहार में नई लीडरशिप की पौध लगाई है? जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या सम्राट को बीजेपी बिहार में अपने सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? क्या सम्राट चौधरी पर दांव खेलकर बीजेपी ने सीएम नीतीश को कोई संकेत दे दिया? नीतीश के पलटने वाले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या ये तय है कि अब बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार में नीतीश की छत्रछाया से मुक्त होना चाहेगी? कर्पूरी जी को तो गरीबी और उन सब कामों के लिए भारत रत्न मिला। हमारी अनुशंसा होगी
कि जहाँ जो इतिहास इन्होंने तय किया है उसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो बार बार पलटी मारते हैं उसके लिए इनको मिलना चाहिए। अब अंडरस्टूड है, आप समझिए, मैं मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि अब मान लीजिए कि हम लोग को छोड़ के वो सरकार से अलग हो गए और फिर सरकार बनाए हैं उनके साथ जिनके साथ ये रहते थे, तो उन लोगों में भी अविश्वास है कि भाई ये कब तक साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब चला जाएगा। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यह डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, फिर ये तो बिहार की सियासत है जहां कुर्सी के लिए दो ढाई साल में पलटने की रवायत रही है। अब सवाल है कि बीजेपी अगर नीतीश की टक्कर में सम्राट को प्रमोट कर रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है, किस लेवल पर चुनावी ग्राउंड तैयार किया गया, कितना होमवर्क हुआ, सूबे में बीजेपी के मुखिया के तौर पर सम्राट को भगवाधारी नीतीश बनाने की प्लानिंग कब से थी, नीतीश के पुराने बयान सुनेंगे तो सब समझ आ जाएगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। हम तो अलग हो गए और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। शायद इसी बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया। बीजेपी ने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए नीतीश को बिहार की सियासत में उस लेवल की पार्टनरशिप नहीं देनी जैसी पहले मिला करती थी। इसलिए पार्टी ने नीतीश की काट के तौर पर उन्हीं के समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने का फैसला किया। नीतीश ने 30 जनवरी 2023 को बीजेपी के साथ नहीं जाने का ऐलान किया था, लेकिन दो महीने के अंदर ही बीजेपी ने संजय जायसवाल को हटाकर कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दी। यहीं से शुरू हो गया बीजेपी का मिशन सम्राट। यहां तक हमको जितनी गाली देना है नीतीश बाबू देते रहिए, फर्क नहीं पड़ता है, गद्दी पर उतारना ही हमारा संकल्प है। ये मुरेटा इसलिए मैं बाना हूं कि नीतीश कुमार जी आपको सत्ता से बाहर करना है। तीन महीने पहले की बात है जब नीतीश कुमार कहते थे अब सीएम पद के लिए तेजस्वी को ही आगे बढ़ना है, वो बीजेपी में हरगिज नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी आला कमान ने सम्राट को वही काम सौंपा जिसमें किसी वक्त सुशील मोदी माहिर माने जाते थे, यानी सरकार बनते ही लालू एंड कंपनी पर हमला करना। लेकिन इस बार बीजेपी ने लालू फैमिली के साथ साथ नीतीश पर भी तीखे शब्द बाण छोड़ने शुरू कर दिए थे। दोनों बार 2013 में भी नीतीश कुमार जी स्वयं छोड़कर भाजपा को भागे थे, उस समय भी प्रधानमंत्री बनना था, और आज भी 2022 में भी नीतीश कुमार जी को किसी ने भगाया नहीं है, वो स्वयं भाग गए हैं और उत्तराधिकारी भी तय कर दिया कि ये बच्चा हमारा उत्तराधिकारी है। अरे तो ये किसने, जनता ने तय किया क्या? जनता तय करेगी
कि उन बिहार का उत्तराधिकारी कौन है। अब नीतीश कुमार जिनके साथ जाएंगे, जिनके साथ जाएंगे उनका ही बिहार की जनता नाश करेगी। बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश को उन्हीं की जाति के नेता से टक्कर देना शुरू कर चुकी है। सम्राट चौधरी ने जमीन पर काम करना भी शुरू कर दिया, बीजेपी को कॉन्फिडेंस दिलाया कि नीतीश हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इस बार बिहार में कमल खिलकर रहेगा। हालांकि पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी थी, इसलिए बीजेपी सेफ ऑप्शन के साथ गई, मगर सम्राट का सियासी कद भी बड़ा कर दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता रहे, दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे। सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने। 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री रहे। साल 2018 में वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे। यानी ऐसे नेता जो बीजेपी में शामिल होने से पहले आरजेडी जेडीयू दोनों से जुड़े रहे। बीजेपी सम्राट को इसलिए लाई थी ताकि लव कुश वोट यानी कुर्मी कुशवाहा को साधा जा सके। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता, इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। बीजेपी का सिस्टम क्लियर है, नीतीश साथ जरूर हैं, लेकिन ठसक पहले जैसी नहीं रहेगी, चलेगी तो बीजेपी की ही। मतलब मैसेज ये जाए कि एक मजबूर नेता के तौर पर नीतीश को अब बीजेपी के रहमो करम पर आगे की सियासत करनी होगी। वैसे भी इस बार मोल भाव में नीतीश की ज्यादा नहीं चली। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी को वो साथ लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने अपने हिसाब से डिप्टी सीएम तय किए। नीतीश चाहते थे कि सीट शेयरिंग में उनका रोल ज्यादा हो, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल इसे लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया। नीतीश ये भी चाहते थे कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए, इस पर भी बीजेपी आलाकमान से कोई बड़ा संकेत नहीं मिला। खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है, अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। बतौर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश की 9 शपथ देख चुका है और लालू राज के बाद नीतीश ही कुर्सी पर काबिज रहे। तब से आरजेडी हो या फिर बीजेपी, दोनों की इच्छा थी कि किसी तरह नीतीश के बाद अपनी पार्टी के नेता को सीएम बनाया जाए। तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम बन गए, फॉर्मूला बीजेपी ने भी फ्लोट किया, लेकिन सुशील मोदी नीतीश की छत्रछाया में ही रहे। प्रदेश में बीजेपी का पहला सीएम अभी तक नहीं हुआ। अगले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी के सम्राट के तौर पर ऐसा हो सकता है? बिहार है, कुछ भी हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि आखिर बिहार की अहमियत बीजेपी और विपक्ष के लिए क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार के पाला बदलने से अब मोटे तौर पर समीकरण 2019 के जैसे हो गए हैं, जब बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। आइए जरा बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए बिहार की 40 सीटों का मतलब आपको समझाते हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे कि किस तरीके से 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें सीटें बिहार की 40, लेकिन यहां पर देखिए जो
39 सीटें हैं वो एनडीए के पास गई थी, जिसमें वोट शेयर था 53.25% का। महागठबंधन के खाते में केवल एक सीट गई थी, वोट शेयर था 30.76% का, जिसमें महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी जिसका नाम अब बदल चुका है एचएएम वीआईपी, और अब ये तीनों ही जो पार्टियां हैं आरएलएसपी, एचएएम वीआईपी, ये अब एनडीए में शामिल हो चुकी हैं। तो ये था 2019 का डेटा। अब देखिए किस तरीके से 2019 में एनडीए का जादुई प्रदर्शन रहा। बिहार में 40 में से 39 सीटें देखिए जीती थी पार्टी कौन सी, बीजेपी। कितने पर लड़े, 17 सीटों पर, और कितने पर जीते, 17 सीटों पर, यानी कि जितनी पर चुनाव लड़ा उतनी पर जीते। 23.58% का वोट शेयर यहां पर रहा था। जेडीयू 17 में से 16 सीटें उसके खाते में गई, 17 सीटों पर लड़े और 16 सीटें जीते, 21.81% का वोट शेयर 2019 में ये जादुई प्रदर्शन किया। जहां पर देखिए एलजेपी जो पार्टी है वो 6 सीटों पर लड़ी थी और 6 में से 6 सीटों पर जीती भी, और वोट शेयर रहा था 7.86% का। तो कुछ इस तरीके का एनडीए का प्रदर्शन साल 2019 में रहा। और अब जब बिहार में देखिए इस तरीके का खेला हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्थिति इस तरीके की बनती नजर आ रही है। महागठबंधन को सिर्फ एक ही सीट मिली थी 2019 में, किशनगंज से कांग्रेस को 34,461 वोटों से कांग्रेस किशनगंज में जीती थी, और यह केवल एक ही सीट थी जो महागठबंधन के खाते में आई थी। तो यह जो पूरा डेटा आपने देखा यह था साल 2019 का। अब देखिए बिहार में बीजेपी का सम्राट तो तय हो चुका है, लेकिन इस एक दाव से देश के प्रधान का कद अब और बढ़ गया है। जेडीयू का बिहार में साथ आना बीजेपी के चुनावी कैंपेन के लिए यह किसी बूस्टर डोज से कम है ही नहीं। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्या बिखरा हुआ जो विपक्ष है वो मोदी के मिशन 400 प्लस को रोक पाएगा। लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, पूरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। ये वही नीतीश कुमार है जो कुछ दिनों पहले तक इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, जो बार बार ये कहते थे कि अब सारे दल साथ आ गए तो अब बीजेपी को हरा देंगे, दिल्ली की सत्ता बदली जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को मोदी के सामने प्रमोट तक किया जाने लगा था। पटना की गलियों में पोस्टर तक लगा दिए गए थे, लेकिन अब यही नीतीश प्रधानमंत्री मोदी की रैली में साथ दिखेंगे, उनके साथ बेतिया में मंच साझा करेंगे और फिर एक बार डबल इंजन वाली सरकार के नारे लगाए जाएंगे, क्योंकि बात लोकसभा चुनाव की है। नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, और उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मैं आदरणीय खड़गे जी से और राहुल जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है। यानी बीजेपी का तीर निशाने पर लगा, गठबंधन के नेताओं को दर्द होने लगा है, और इस तरह के बयान गठबंधन की हताशा का संकेत है। इन नेताओं की बातों से लगता है कि बीजेपी ने नीतीश को साथ लेकर बिहार मैनेज कर लिया। मगर सवाल तो और भी है, क्या नीतीश के फैसले का असर मोदी की पैन इंडिया सीटें बढ़ाएगा? क्या अब महागठबंधन मोदी का मुकाबला कर पाएगा? क्या इस फैसले का असर यूपी और महाराष्ट्र में भी पड़ेगा? क्या ममता नीतीश ने गठबंधन में खेला कर दिया? इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया। जब क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता, जो एक दिन दो दिन में ही होने वाला है, पहले ही वो बात किए होंगे, पहले ही कंडीशन रखा होगा, तभी तो ये होगा। तो ये जो है आज तक हमको डार्क में रखे, और इवन लालू प्रसाद जी को भी डार्क में रखे। खरगे जी, कभी आप कहते हैं कि हमें पहले से पता था कि नीतीश जाने वाले हैं, फिर ये कह रहे हैं ये कोशिश पहले से हो रही थी। अगर नीतीश पहले से जाना चाहते थे तो फिर आप उन्हें साथ क्यों रखे हुए? क्यों इंडिया अलायंस की मीटिंग में ममता ने नीतीश का नाम नहीं लिया?
फिर बाद में जब नीतीश नाराज हो गए तो उन्हें संयोजक पद का लॉलीपॉप देने लगे। जेडीयू का यही कहना है, जब अलायंस ने नीतीश का सम्मान नहीं किया तो भला नीतीश क्यों करे। 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया था कि बिहार में उनकी पकड़ है, बिहार का मतदाता उनके साथ है। तब जब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बगैर चुनाव लड़ी थी और 22 लोकसभा सीटें जीती थी, और 2024 का चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी के लिए और भी अनुकूल है, और उसमें नीतीश कुमार जी थोड़ा सा बैक सपोर्टर जरूर साबित हो सकते हैं। आज नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ नीतीश की नहीं, नीतीश ने आज फैसला लिया, लेकिन नीतीश को अगर किसी ने अलायंस से निकालने के लिए प्रेरित किया तो शायद वो ममता बनर्जी होंगी, क्योंकि ममता ने 4 दिन पहले ही बंगाल में अलायंस को अलविदा कह दिया था कि कांग्रेस ने अपनी यात्रा के बारे में नहीं बताया, इसलिए बंगाल में अकेले लड़ेंगे। घमंडिया गठबंधन की जो पैदाइश हुई थी वो पटना में हुई थी, आज ये साबित हो गया कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। आज उस घमंडिया गठबंधन का मिस्ड एबॉर्शन या प्री मेच्योर एबॉर्शन भी पटना में हो गया, मतलब घमंडिया समाप्त। जहाँ जहाँ राहुल के पाँव पड़े वहाँ हुआ बंटाधार। नई सरकार पूरे जोश और खरोश से बिहार के भलाई के लिए काम करेगी, प्रधानमंत्री के विजन के साथ काम करेगी। अब ये मोदी जी का बिहार है। नीतीश मोदी के विजन को पूरा करेंगे, लेकिन राहुल के विजन का क्या? वो तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इंडिया अलायंस के लीडर के तौर पर राहुल को मोदी के खिलाफ प्रमोट कर रही है, लेकिन जिन जिन राज्यों में सीट शेयरिंग की बात आती है वहां कांग्रेस को कोई फॉर्मूला पसंद नहीं आता। यूपी में अखिलेश ने 11 सीटें ऑफर की, कांग्रेस ने कहा कि बात करेंगे, यानी जब बीजेपी कैंपेनिंग मोड में आ चुकी है तब भी मान मनवल का दौर जारी है, इसलिए बीजेपी इंडिया अलायंस पर अग्रेसिव है। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है, ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है। आज पूरे और सुन, अभी हरियाणा के लिए अलायंस की बात पूरी नहीं हुई है कि आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब के बाद हरियाणा में भी एकला चलो नीति अपना ली। आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सारी 90 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, तो क्या लोकसभा में भी अकेले जाने का इरादा है? इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। अक्टूबर के चुनाव में 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव में जाने से पहले बीजेपी काफी मजबूत दिख रही है। राम मंदिर निर्माण हो या फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान, या फिर 4 दक्षिण भारतीयों को पद्म विभूषण सम्मान दें, नॉर्थ से लेकर साउथ तक मोदी की छवि मजबूत हो रही है और राहुल की न्याय यात्रा का क्रेज भारत जोड़ो यात्रा जैसा फिलहाल नहीं दिखता। और जिस तरह क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं, उससे आगे का चुनावी सफर आसान नहीं रहने वाला, इसलिए बीजेपी दम भर रही है अब की बार 400 पार। अब देखिए, नीतीश की इस पलटी पर ना केवल पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग बड़े दिलचस्प कमेंट्स कर रहे हैं। आइए कुछ वायरल कमेंट्स हम आपको बिग बॉल के जरिए दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये नयानी सजादली हैं जो लिखते हैं कि नीतीश कुमार दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि फिर से मुख्यमंत्री बन सकें। तो ये इस तरीके के कुछ और कमेंट्स हैं। देखिए, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री नहीं विपक्ष बदलता है। ये देखिए, #नीतीश कुमार करके और इस इमोजी के साथ ये जो है शेयर किया गया है।
कृष्णा की तरफ से एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि टॉस में गड़बड़ी रोकने के लिए आईसीसी ने फैसला किया है कि अब सिक्के की जगह पर नीतीश कुमार को उछाला जाएगा क्योंकि सिक्का पलटने में काफी ज्यादा टाइम लेता है, #पलटूराम #नीतीश कुमार। तो देखिए आप सोशल मीडिया पे भी लोग किस तरीके से चुटकी लेते हैं और इस तरीके के जो कमेंट्स हैं वो करते हैं और इस तरीके के कई और वायरल कमेंट्स भी हैं। नीतीश कुमार हमको मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना नहीं, अमित शाह नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। सम्राट चौधरी ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश को सत्ता से हटा देंगे, नीतीश कुमार भी जिंदा है, दरवाजे भी खुल रहे हैं और पगड़ी भी सुरक्षित है। तो देखिए इस तरीके के कॉमेंट्स और कुछ #बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस #नीतीश कुमार ऑफर लेटर हाथ में हो तो रिजाइन करने का मजा ही अलग है। तो कुछ इस तरीके से लोग चुटकी ले रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके के कई वायरल कमेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नीतीश सबके हैं, 2.5 साल तुम्हारे हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ पिक्चर्स के साथ लालू यादव की, नीतीश कुमार की, प्रधानमंत्री मोदी की, इस तरीके के ये कमेंट्स हैं। #नीतीश कुमार इज अनदर रामविलास पासवान #बिहार पॉलिटिक्स सत्ता में आता हूँ लेकिन समझ में नहीं। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर इस्तीफा मुख्यमंत्री देता है लेकिन कुर्सी जाती है उप मुख्यमंत्री की। तो इस संदर्भ में लोगों ने जो ट्विटर पर ये ट्वीट्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, वो तमाम वायरल कमेंट्स हमने बिग वॉल के जरिए आपको दिखाए और समझाए ताकि आप समझ पाएंगे लोग किस किस तरीके से नीतीश कुमार ने ये जो पलटी मारी है इसको लेकर सोच रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीतीश की पॉलिटिकल प्रतिष्ठा की। तो देखिए बिहार में जिस खेल की बात कही जा रही थी वो हो चुका है। नीतीश कुमार फिर से एक बार एनडीए के साथ आ गए हैं, 9वीं बार शपथ लेकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार की बदली हुई राजनीति में उन 100 घंटों की बहुत बड़ी भूमिका है जिसमें पहले नीतीश कुमार की पॉलिटिकल प्रतिष्ठा बदली और फिर निष्ठा। नीतीश का सत्ता पथ, आज ही इस्तीफा, आज ही शपथ। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, हमने छोड़ दिया। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। RJD को धोखा, BJP के साथ रोका। आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सबसे तेज, सबसे आगे नीतीश फिर एनडीए के साथ भागे। अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा तब जाने। कुर्सी की ताकत, नीतीश की पलटी मार सियासत। नीतीश कुमार जी का जो बर्ताव है, उनका जो इतिहास है, उनको पलटू राम कहा जाता है। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। पॉलिटिकल प्रतिष्ठा, 100 घंटे में कैसे बदली निष्ठा। परिवार का लोग कितना पढ़ता रहा करते रहता है, नेता बनता है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। पोस्टर से पटा पटना, इतिहास में दर्ज घटना। नौवीं बार सरकार, फिर से नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध
अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार की राजनीति में एक नेता थे रामविलास पासवान, जिन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जो पहले से समझ जाते थे सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार को समझने वाला वैज्ञानिक आज तक नहीं बना है, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर कोई समझ सकता है तो वो खुद है। क्योंकि सच ये है कि नीतीश कुमार लगातार हिंट दे रहे थे कि वो पाला बदलने वाले हैं, लेकिन लालू और तेजस्वी इसे समझ नहीं पाए। हमारे हाथ में तो तीर है और तीर प्रभु श्री राम के हाथ में है, तो कल प्रभु श्री राम के हवाले कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा बिहार के लिए। बिहार में फिर एक बार सरकार बदल गई है, फिर एक बार नीतीश कुमार की निष्ठा बदल गई है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में उन 100 घंटों की अहम भूमिका है, जिसकी टाइमलाइन 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान से शुरू होती है। बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। नीतीश कुमार न सिर्फ केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, बल्कि पीएम मोदी का धन्यवाद भी करते हैं। तो सचमुच आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनके 100वें दिवस के अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। लेकिन असली खेल शुरू होता है 24 जनवरी को, जब कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर जब नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर का जिक्र कर परिवारवाद पर हमला करते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश का ये बयान उनकी बदलती निष्ठा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन तभी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का आग में घी डालने वाला ट्वीट आता है, जिसमें वो लिखती हैं कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही रोहिणी आचार्य अपने इस ट्वीट को डिलीट भी कर देती हैं, लेकिन तब तक बिहार का पूरा सियासी माहौल बदल जाता है। नीतीश के पाला बदलने के कयास शुरू हो जाते हैं और 25 जनवरी को नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर देते हैं, जिसका झटका पूरे इंडिया गठबंधन को लगता है, क्योंकि ये नीतीश कुमार ही थे जो इंडिया गठबंधन को जोड़ने में लगे हुए थे। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। इसी दिन एक और झटका उस वक्त लगता है जब नीतीश कैबिनेट की बैठक होती है, जो सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो जाती है। न चिट्ठी जारी होती है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नीतीश के बदले तेवर देख बीजेपी भांप जाती है और अपने बिहार बीजेपी के नेताओं से नीतीश पर कुछ भी बोलने से पहले एहतियात बरतने के लिए कहती है। और तभी खबर आती है कि 4 फरवरी को बिहार में पीएम मोदी की होने वाली रैली में नीतीश मंच साझा करने वाले हैं, और तभी से नीतीश और तेजस्वी के बीच दूरी खुलकर दिखने लगती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दोनों साथ नजर आते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक कुर्सी वाली दूरी साफ साफ दिखती है। इसी दिन दोपहर को राजभवन में एक कार्यक्रम होता है, लेकिन इस कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं आते हैं और जिस कुर्सी पर तेजस्वी का नाम लिखा होता है उस पर्ची को हटाकर अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बगल में बैठ जाते हैं। लेकिन अशोक चौधरी सिर्फ पर्ची को हटाते ही नहीं हैं, वो उसको मसलते नजर आते हैं।
बाद में जब नीतीश से पूछा जाता है कि तेजस्वी क्यों नहीं आए, वो बिना जवाब दिए ही चले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? और इसी के बाद शुरू होता है असली खेल। बीजेपी की तरफ से पहला बयान आता है जिसमें सुशील मोदी की तरफ से बंद दरवाजे खोलने की बात कही जाती है। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की भविष्यवाणी शुरू हो जाती है जिसमें खेला होने और बड़े परिवर्तन की बात कही जाती है। हम सदा कहते रहे हैं कि ये जनवरी महीना का लास्ट जो होता है 20 से 30 तक के, ये बिहार के राजनीति में एक परिवर्तन का समय होगा। दिन नहीं कह सकते हैं, समय नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। और फिर शुरू होता है बैठकों का दौर। 27 जनवरी को बीजेपी अपने विधायकों की बैठक बुलाती है, जेडीयू अपनी, आरजेडी अपने, विधायकों की परेड होती है, एकजुट रहने की बात कही जाती है। इसी के साथ अटकलबाजी का दौर भी चलता है, हवा बनाई जाती है। जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, साथ ही जीतन राम मांझी से भी बात चल रही है, लेकिन इस दावे को मांझी तुरंत खारिज कर देते हैं। नहीं, हमको तो एनडीए महागठबंधन से निकाल दिया गया था। नीतीश कुमार जी का शर्त था कि आप मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए। हमारे लोगों ने कहा कि पार्टी में मर्ज नहीं करना है, तब उनका कहना कि तब बाहर जाइए, तो बाहर चले आए। दूसरी तरफ खबर आती है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अलग ही खेल चल रहा होता है। लेकिन इस दौरान कोई भी बड़ा नेता एक दूसरे पर सीधा हमला करने से बचता है। न नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं, न लालू प्रसाद यादव और न ही तेजस्वी। जितनी भी बयानबाजी होती है पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ से होती है। आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। लेकिन तब तक ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ नहीं रहेंगे और एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार बनाएंगे। उधर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ने लगती है। बीजेपी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो जाता है। इस्तीफा देने से पहले 28 जनवरी को नीतीश कुमार के पास एक फोन आता है। ये फोन पीएम मोदी का था, इसके कयास लगाए जाते हैं। और थोड़ी देर बाद नीतीश इस्तीफा देने राजभवन पहुंच जाते हैं, और इस्तीफा देने के बाद नीतीश बाहर आकर इसकी पुष्टि भी कर देते हैं। इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। नीतीश कुमार के ऐलान से साफ हो जाता है कि उन्होंने पाला बदल लिया है। थोड़ी देर बाद नीतीश बीजेपी नेताओं के साथ फिर से राजभवन पहुंच जाते हैं और 128 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप देते हैं, और फिर शपथ ग्रहण के लिए शाम 5 बजे का समय तय कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच नीतीश को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का गुस्सा खुलकर सामने आता है, और सबसे बड़ा बयान तेजस्वी यादव का आता है। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं,
और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं। और 28 जनवरी की शाम 5 बजे नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर फिर से बिहार की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शपथ लेते हैं। इस पूरे एपिसोड में नीतीश कुमार की निष्ठा को बदलने में 100 घंटे लगते हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार 22 जनवरी तक बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की फौज तैयार कर रहे थे, वही नीतीश अब उसी बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो नीतीश कुमार के पाला बदलने और एनडीए के साथ जाने से बिहार की राजनीति उफान पर है। नीतीश के विरोधी उन पर चौतरफा हमला कर रहे हैं, कोई उन्हें अवसरवादी बता रहा है तो कोई पलटू राम, लेकिन नीतीश कुमार ने जाने अनजाने में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का। क्योंकि इस देश में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन कोई भी नीतीश के करीब नहीं पहुंच सका। गठबंधन तोड़कर टक से सरकार बना सकता हूं। ये 18 साल में 9वीं बार है और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार है। निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।